अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो PUBG मोबाइल की 3.3 अपडेट 10 से 11 जुलाई के अंदर हर एक बंदे के पास आ जाएगी। उसी के बाद कुछ दिन के बाद हमारे पास नेक्स्ट सीजन एंड रॉयल पास भी आ जाएगा। अब इनकी सबकी डेट एंड टाइमिंग्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीजन और रॉयल पास आने से पहले पहले आप लोगों को कुछ बिल्कुल फ्री में रिवार्ड्स मिल रहे होते हैं, उनको आप लोगों ने मस्ट कलेक्ट करना है, बिकॉज जब नेक्स्ट सीजन आएगा उनको आप लोग दोबारा से फिर कलेक्ट कर पाओगे। सबसे पहली चीज के हमारे पास जो अपडेट है वो 10 से 11 जुलाई के दरमियान आ जाएगी सबके पास। 11 जुलाई 3 बजे तक हर एक बंदे के पास, मतलब चाहे वो iOS यूजर है या फिर Android यूजर है, सब लोगों के पास आ जाएगी। इसी के अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट मिथिक फौज है वो भी हमारे पास 10 जुलाई को रीसेट हो जाएगा। मतलब जो न्यू रिवार्ड्स ऐड होने हैं वो कल 10 जुलाई को हमारे पास यहाँ पे आप लोगों के पास जो भी रिवार्ड्स आ रहे हैं, जो आउटफिट आएंगे, लेट्स सी कौन से आउटफिट आते हैं एंड कौन सी अपग्रेडेबल गन्स आती हैं, वो सारी की सारी आप लोगों के पास यहाँ पे कल 10 जुलाई को आ जाएंगी। इसी के साथ साथ हमारे पास 11 जुलाई तक अपडेट भी सबके पास आ जाएगी। सो आज लास्ट डे है हमारे पास इस इवेंट का, एंड इस इवेंट के रिलेटेड अगर आप लोगों की कोई अचीवमेंट रहती है तो वो आप लोग मस्ट कंप्लीट कर लेना। दूसरी चीज़, मैं हर बार ये बोलता हूँ कि पबजी नेक्स्ट जो अपडेट है ना वो बहुत बढ़िया दे रही है। हो सकता है यहाँ पर मटीरियल की अलहदा से शॉप बना दी गई है, लेकिन यहाँ से रिमूव होने के बहुत कम चांसेज हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों के पास जितने भी एजी हैं आप लोग ये मिनी मटीरियल लाजमी से रिडीम कर लेना, बिकॉज आप लोगों के पास अगर एजी पड़े हुए हैं और अगर ये मटेरियल चले जाते हैं, नहीं जाने के चांसेस, बट कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है पबजी से, कभी भी वो कोई भी अपडेट लेके आ सकते हैं। तो इसी के लिए, सेफली के लिए आप लोगों के पास जितने भी एजी हैं उनसे आप लोग मिनी मटेरियल्स मस्ट रिडीम कर लेना। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट रॉयल पास है A8 रॉयल पास, उसकी बात करें तो हमारे पास 16 जुलाई को सुबह 7 बजे हमारे पास नेक्स्ट A8 रॉयल पास भी आ जाएगा। अब आप लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा RP पॉइंट्स बचे हुए होंगे तो उनसे आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आप लोगों को दो मिनी मटेरियल मिलते हैं 480 RP पॉइंट्स के मिलेंगे, ये आप लोगों ने मस्ट रिडीम कर लेनी है, क्योंकि अगर आप लोग नहीं करोगे तो ये आप लोगों के RP पॉइंट्स वेस्ट हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये इलाइट होम कॉइन्स होते हैं, इनको भी आप लोगों ने मस्ट ले लेना है क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जितने आप लोगों के पास RP पॉइंट्स बचे उनके आप लोग क्रिएट ओपनिंग कर सकते हो। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ये कहां पे यूज होंगे तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, ये आप लोग अपना अगर होम क्रिएट करते हो ना तो उसमें आप लोगों के यूज होने वाले हैं। उसके अलावा जितने भी RP पॉइंट्स आप लोगों के बचे ये होम कॉइंस भी ले लेना अगर आप लोग लेना चाहो। मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा, मतलब अगर आप लोग लेना चाहो, क्योंकि ये वैसे भी काफी जगह से मिल जाते हैं फ्री में, कहां कहां से मिलते हैं वो मैं बाद में भी आप लोगों को बता दूंगा, वैसे मैंने ऑलरेडी भी बताया हुआ है। इसके अलावा भी अगर आप लोगों के पास कोई पॉइंट्स बच जाते हैं तो फिर आप लोगों ने यहां पे आना है एंड यहां से आप लोगों ने RP की क्रिएट ओपनिंग कर लेनी है। ये जो RP क्रिएट्स आता है तो इसमें वैसे बहुत कम चांसेस होते हैं इतने कुछ अच्छे रिवार्ड्स निकलने के, पर यहाँ पे आप लोग इनको स्पेंड कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास सीजन की बात करें तो सीजन भी एग्जैक्टली जैसे हमारे पास नेक्स्ट रॉयल पास आएगा 16 जुलाई सुबह 7 बजे, तो हमारे पास सेम डेट को 16 जुलाई सुबह 7 बजे हमारा जो नेक्स्ट सीजन है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। एंड इस बार हमारा नेक्स्ट साइकिल भी स्टार्ट होगा, मतलब अगर आप लोग अभी देखोगे साइकिल 6 सीजन 18 है, तो नेक्स्ट साइकिल 7 स्टार्ट हो जाएगा, सीजन 19 स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो ये जो साइकिल रिवार्ड्स हैं ये भी दोबारा से न्यू आ जाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक ये साइकिल रिवार्ड्स कलेक्ट नहीं किए हुए तो इनको मस्ट आप लोग कलेक्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ये लास्ट चांस है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही कि इनको कैसे कलेक्ट करना है तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये वाली वीडियो है, इसको देखना है एंड जल्दी से जल्दी, मतलब 15 जुलाई तक आप लोगों के पास टाइम है, उसके बाद आप लोग इसको नहीं ले पाओगे। तो ये काफ़ी बढ़िया रिवार्ड्स हैं। अगर आप लोग मिथिक आउटफिट्स, यहाँ पर मेरा डाउनलोड नहीं है, हो जाएगा जल्दी, बट ये जो हावरबोर्ड, मिथिक फौज, ये जो हमारे पास तीनों की तीनों रिवार्ड्स है ना, ये लिटरली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है एंड 3 सीजन के बाद आप लोगों को ये मिलने होते हैं, तो इनको आप लोगों ने मस्ट कलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो मुझे यहाँ पे एक साइकिल सिक्स का, ये भी मिथिक है, तो ये मिल चुका है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे आउटफिट मिलेगा डायमंड करने पर, क्राउन करने पर, डायमंड करने पर आप लोगों को वो वाला मिल रहा है हेड गियर। तो यहाँ पर आप लोगों के पास
यहाँ पे आप लोगों के पास ये मिथिक आउटफिट, उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे लास्ट पे एक मिथिक सॉरी लेजेंडरी हॉवरबोर्ड की स्किन भी है, तो ये आप लोगों को एस करने पर मिल रही है। बट फिर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अभी तक एस नहीं किया या फिर लास्ट किसी सीजन एस मिस किया था, तो जो मैंने आप लोगों को वीडियो बोली है ये वाली वीडियो देखना, इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें क्लियर की हुई हैं कि कैसे कैसे आप लोगों को ये सारे के सारे रिवार्ड्स मिलेंगे। सो ये आप लोगों ने मस्ट कलेक्ट कर लेने हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है यहाँ पे, ये मोस्टली रिवार्ड्स लोगों ने कलेक्ट कर लिए होते हैं जैसे सीजन आता है, बट अगर आप लोगों ने नहीं किए तो ये मस्ट कलेक्ट कर लेना। यहाँ से आप लोगों को सीजन टोकन से यहाँ पे 2000 सिल्वर एंड आप लोगों को 1500 एजी मिलते हैं। अगर आप लोगों ने ये कलेक्ट नहीं किए हुए या फिर रिडीम नहीं किए हुए तो इनको मस्ट रिडीम कर लेना, क्योंकि जैसे हमारे पास नेक्स्ट रॉयल पास आएगा उसी के साथ हमारे पास ये जो एजी एंड ये सिल्वर आप लोग इनको दोबारा से रिडीम कर सकते हो, मतलब ये शॉप के अंदर दोबारा से रिफ्रेश होकर ऐड हो जाएंगे। और आप लोगों को पता है ये एजी एंड सिल्वर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एजी से आप लोग मिनी मटेरियल्स परचेज कर सकते हो एंड सिल्वर से आप लोगों को डेली प्रीमियम क्रिएट एक मिल जाता है, तो वो भी मस्ट कलेक्ट कर लिया करना है। एंड अभी इस सीजन नेक्स्ट प्रीमियम क्रिएट के अंदर कौन सी अपग्रेडेबल वेपन आने वाली है वो भी अभी तक फाइनल नहीं हुई। लेट सी क्या होने वाला है। एंड प्रीमियम क्रिएट की अगर बात करें तो प्रीमियम क्रिएट भी मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ कि कब आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ना एक कस्टम क्रिएट चल रहा है, जैसे ये कस्टम क्रिएट एंड होगा उसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास प्रीमियम क्रिएट आ जाएगा। और ये हमारे पास 21 जुलाई को एंड हो रहा है, मतलब हमारे पास 22 जुलाई को हमारा जो न्यू प्रीमियम क्रिएट है वो भी आ जाएगा। एंड मोस्ट चांसेस हैं कि जैसे हमारे पास अपडेट आए या फिर रॉयल पास आए ना, उसके बाद पता चल जाएगा कि नेक्स्ट प्रीमियम क्रिएट के अंदर कौन सी अपग्रेडेबल गन आने वाली है। बट अगर नहीं भी पता चलता तो अच्छी बात है, एक सस्पेंस क्रिएट हो जाता है, सस्पेंस में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब हमें तभी पता चले जब हमारे पास एग्जैक्टली कोई मतलब सरप्राइज वेपन आ जाए। लेट सी क्या आता है। बाय द वे प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।